एवरीवन, कल हमने इसके टॉपिक के बारे में पढ़ लिया था एलजेब्रा के। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे 6.1 के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि मोनोमियल्स क्या होते हैं, जिनमें एक टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल्स क्या होते हैं, जिनमें दो टर्म होती हैं, और ट्राइनोमियल्स क्या कहलाते हैं, जिनमें तीन टर्म होती हैं, ठीक है। तो अब हम इनको देख के बता सकते हैं कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, ठीक है। जैसे इसके ए में देखेंगे हम क्या दिया गया है, 6x square, क्या दिया गया है, 6x square। तो यहाँ हम देखेंगे इसमें कितनी टर्म है, सिर्फ एक टर्म है, कौन सी, 6x square। तो ये कौन सा कहलाएगा, मोनोमियल, हमें पता है क्योंकि मोनोमियल में सिर्फ एक टर्म होती है, ठीक है। फिर बी में दिया गया है 3x square प्लस 4y plus 2। तो इसमें हम टर्म काउंट करेंगे कितनी है, तो ये है 1, 2, 3, कितनी टर्म्स है इसमें, 3। तो ये क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल, क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल, ठीक है। फिर सी वाला, सी क्या दिया गया है, 6pq, क्या है, 6pq plus 3, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि एक टर्म कौन सी हो गई, 6pq, और एक टर्म हो गई 3। तो ये कौन सा कहलाएगा, बाइनोमियल, क्या कहलाएगा, बाइनोमियल, ठीक है। फिर डी में देखेंगे हम क्या है, 4x square माइनस xy प्लस 15। इसमें हम देखेंगे 1, 2 और 3 टर्म हैं, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। इसी तरीके से इसके बाकी के भी क्वेश्चंस करने हैं, आप लोगों से बन जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें क्या करना है, इसमें इनकी डिग्री लिखनी है, ठीक है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए देखेंगे हम। ए वाले में क्या दिया गया है, 4x square minus 7x plus 4। इसमें हमें क्या लिखना है, इसकी डिग्री लिखना है। अब हमने पढ़ा था डिग्री क्या होती है, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री बोलेंगे। तो इसमें देखेंगे हम, यहाँ इसकी पावर कितनी है, 2, यहाँ 1 है और यहाँ 0, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हुई, 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। हम क्या लिख देंगे, डिग्री ऑफ 4x square minus 7x plus 4 इज 2, ठीक है। इसी तरीके से इसके बाकी के क्वेश्चंस करने हैं, आप लोगों से बन जाएंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, आइडेंटिफाई द लाइक एंड अनलाइक टर्म्स फ्रॉम द ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनमें से लाइक और अनलाइक टर्म्स बताने हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें दिया गया है ए में 3xy, -7xy, -4xy और 8zxz, ठीक है। इसमें से हमें क्या करना है, लाइक और अनलाइक टर्म्स को छांट के लिखना है। पहला क्या है, 3xy, फिर दिया गया है -7xy, फिर दिया गया है माइनस का 4xy और 8xz, ठीक है। इनमें से हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स को लिखना है, ठीक है, और क्या लिखना है, अनलाइक टर्म्स को, लाइक टर्म्स हम देखेंगे, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ एक्स वाई है, लेकिन यहाँ एक्स वाई नहीं है। तो लाइक टर्म्स में क्या क्या आ जाएगा, 3xy minus 7xy minus 4xy, ठीक है, और अनलाइक टर्म में क्या आ जाएगा, 8xz। इसी तरीके से इसके बाकी के क्वेश्चंस करने हैं, बन जाएंगे आप लोगों से। फिर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, ऐड द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो हम इनको कॉलम मेथड से भी कर सकते हैं, और किससे कर सकते हैं, हम रो मेथड से भी कर सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगे आप उससे कर देंगे। जब तक हमें कॉलम या वो रो नहीं लगानी है, जब तक हमें दिया नहीं गया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 4 के ए में दिया गया है, एड 3a square bc, -3ab square, -3a square bc and 2ab square, ठीक है। तो हम इसको रो से भी कर सकते हैं और कॉलम से भी। तो अगर हम कॉलम से करेंगे, रो से करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3a square bc plus of minus 3ab square plus 3a square bc plus 2ab c square। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो 3a square bc minus 3ab c square plus 3a square bc plus 2ab c square। अब हम a square bc वालों को एक साथ ले लेंगे और ab c square वालों को अलग ले लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3a square bc plus 3a square bc plus of minus 3ab c square
प्लस टू ए बी सी स्क्वायर, इनको ऐड किया तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिक्स ए स्क्वायर बी सी माइनस थ्री ए बी सी स्क्वायर और प्लस टू ए बी सी स्क्वायर का सॉल्व किया तो कितना आ गया, माइनस का ए बी सी स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस भी ऐसे करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में दिया गया है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमें क्या करना है, कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं एलजेब्रिक, उनको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। पहला क्या दिया गया है, सिक्स आर स्क्वायर माइनस फोर पी स्क्वायर प्लस फाइव क्यू स्क्वायर फ्रॉम माइनस फाइव आर स्क्वायर माइनस फोर क्यू स्क्वायर प्लस थ्री पी स्क्वायर। हमें माइनस आर स्क्वायर फाइव आर स्क्वायर माइनस फोर क्यू स्क्वायर और प्लस थ्री पी स्क्वायर में से सिक्स आर स्क्वायर माइनस सिक्स पी फोर पी स्क्वायर और प्लस के फाइव क्यू स्क्वायर को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव के ए में क्या दिया गया है, सिक्स आर स्क्वायर माइनस फोर पी स्क्वायर प्लस फाइव क्यू स्क्वायर फ्रॉम माइनस फाइव आर स्क्वायर माइनस फोर क्यू स्क्वायर प्लस थ्री पी स्क्वायर। ठीक है, इसमें से हमें करना है तो हम अरेंज कर लेंगे। हमें पता है फ्रॉम के बाद वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस फाइव आर स्क्वायर माइनस फोर क्यू स्क्वायर प्लस थ्री पी स्क्वायर। अब हम यहाँ देखेंगे r वाली टर्म को r वाले के नीचे, p वाली टर्म को p वाले के नीचे और q वाली टर्म को q वाले के नीचे, तो यहाँ आ जाएगा सिक्स आर स्क्वायर प्लस फाइव क्यू स्क्वायर माइनस फोर पी स्क्वायर। अब हमें पता है इसको हमें माइनस करना है, तो इसके सिंबल चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का है तो भी माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का। अब हम इनको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का थ्री पी स्क्वायर और प्लस का फोर पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का सेवन पी स्क्वायर। यहाँ माइनस का फाइव क्यू स्क्वायर माइनस का फोर क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का नाइन क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ माइनस का फाइव आर स्क्वायर माइनस का सिक्स आर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, माइनस का इलेवन आर स्क्वायर। इसको अगर हम फर्दर अरेंज करके लिखें तो क्या आ जाएगा, सेवन पी स्क्वायर माइनस नाइन क्यू स्क्वायर माइनस इलेवन आर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से इसके बाकी के क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। बेटा ये बहुत सारा हो जाएगा आप लोगों को, इसीलिए हम आगे का नहीं करा रहे हैं। आप लोगों को इसमें जो भी डाउट हो वो आप लोग पूछ लेना। ये फर्स्ट इजी है, सेकंड इजी है, थर्ड भी इजी है, लेकिन फोर्थ में थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, तो ये देख लेना ट्राई करके और क्वेश्चन नंबर फाइव कर लेना। फिर इन क्वेश्चंस में से जो आप लोगों से ना बने वो हमसे पूछ लेना, बाकी के क्वेश्चन बेटा बाद में कराएंगे, नहीं तो आप लोगों से ये क्वेश्चंस भी नहीं बनेंगे और आप लोग मैशअप हो जाओगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।